आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैं ही गरीब क्यों हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा एक कहानी के रूप में बताया गया है। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट है। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा, जो आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या को लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगता है। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहां उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक करके अपनी समस्या बता रहे थे, भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई, उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूं। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता है, मैं इतना गरीब हूं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट तो दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द तो दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव तो मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा, उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। इससे आपको जीवन की क्या सीख मिलता है। मंदिर में भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्ता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं, आइए इसे जानते हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान तो है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं किए, इसीलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आपको समझ में आया होगा। हमारे पास ईश्वर की दी हुई वे अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियाँ को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। बस आपको यह करना है कि हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि आपका वो काम पूरा ना हो जाए। अगर गौतम बुद्ध की इन बातों से आपको कुछ सीख मिली तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।